हेलो स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 9 से पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था बहुपद को बहुपद से भाग करना। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक है हमारा त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। मतलब अगर आपके पास तीन घात का बहुपद है तो उसके गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यह आपके एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन है। जैसे px equal to यह है x3 minus 2x2 minus x plus 2। तो देखते हैं हम इसके गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। इसमें हम ऐसा करते हैं, put x equal to 1 रख के करते हैं, x equal to 1, तो p1 कितना होगा आपका 1 cube minus 2 1 square माइनस 1 प्लस 2, तो ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि p1। इसमें हम एक ऐसा वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने आप जो इसे पूरे को 0 कर दे, अर्थात इसका शून्य हो। p1 जो है 0 है, इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक शून्य है। तब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बहुपद px का, यानी कि दिए हुए px बहुपद का px का एक गुणनखंड होगा। अर्थात x बराबर 1 इसका शून्य है, तो x 1 इधर लाएंगे तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर गुणनखंड होगा तो इससे इसे भाग देने पर से इसको क्या आएगा 0। अभी हम इसका भाग करते हैं x-1, ये भाग आपको सिखा दिए हुए थे, ये है x3 2x2 माइनस x प्लस 2। अगर हम एक बार फिर देखें इस भाग को, x3 यहां x है तो ये आएगा x2 टाइम टेबल चलेगा, तो x2 का मल्टीप्लाई x है, x2 का 1 से माइनस x2। यहां पर हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। x3 से x3 कैंसिल होगा, 2x2 प्लस x2 तो माइनस x2 माइनस x प्लस 2। मैंने आपको टेबल चलाने के लिए बताया था, ये लिखते हैं हम अपॉन और ये लिखते हैं इससे कैंसिल, तो माइनस x बचेगा, तो यहाँ माइनस x का टेबल चलेगा, माइनस x की x से मल्टीप्लाई माइनस x2 और माइनस x की माइनस 1 से तो प्लस के x, फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस है माइनस होगा और ये माइनस है प्लस होगा, ये तो कैंसिल होगा और x माइनस के 2x प्लस 2। अगेन यहाँ माइनस 2x है और यहाँ x है, तो x से x कैंसिल तो माइनस 2 टाइम टेबल चलेगा, माइनस 2 x और माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 प्लस 2, फिर साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये भी, तो इसका मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या है इसका शून्य है, क्योंकि ये तो हमें पता था शेषफल 0 है, ये तो आ गई। हमें यहां इसके भागफल को निकालना था, क्योंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, px बराबर भाजक होता है आपका gx, ये होता है qx और शेषफल होता है rx। अर्थात x3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ तो हमारा होगा px ही है, तो gx कितना है x-1 और x2 माइनस x-2, इसे ऐसे लिख दो x2 माइनस x-2 और प्लस शेषफल
ये हमारा आर एक्स है, शेषफल कितना होगा जीरो, यानी कि सी एक्स हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन। अभी ध्यान देना एक्स ये द्विघात बहुपद है, इससे ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन है वो द्विघात बहुपद का ही है, तो यानी कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसमें हम जो इसका बीच वाला पद होता है उसे विभाजित कर यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं, अर्थात यहाँ पर टू के ऐसे फैक्टर हम ढूंढेंगे जो माइनस करने के बाद वन आ जाए, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ में कितना है वन है, तो इसलिए टू के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने के बाद वन आए, तो क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू ये जीरो, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू की एक्स से मल्टीप्लाई टू एक्स और माइनस माइनस प्लस वन की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स यहाँ से कॉमन है तो एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन एक्स माइनस टू, इन दोनों पदों में एक्स माइनस टू कॉमन है तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, और इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स के जो गुणनखंड है पी एक्स हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और उसके जो गुणनखंड हुए हमारे वो हुए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। आप इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसी तरीके से चेक करेंगे, इसी तरीके से फैक्टर